जावेद बट सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल वसीन नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल की यूनियन की जानिब से लाहौर की ताजर बरादरी के एजाज में शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर का अहतमाम रंग महल यूनियन ऑफिस में किया गया। इफ्तार डिनर के मौका पर लाहौर भर से सीनियर ताजरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तार डिनर में साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ तारिक मिसबा, साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहर काशिफ यूनस, ताहिर मंजूर, नईम मीर, ख्वाजा आमिर, शाहिन नजीर, सुहेल भट्ट, खलील अबीर, मलिक सुहेल, वसीम भट्ट, इशवाक भट्ट, इमरान सईद मुगल, हाजी नईम खान समेत लाहौर भर से सीनियर ताजरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। में तशरीफ लाने पर उमर जावेद भट्ट सदर रेडीमेड गारमेंट रंग महल ने अपने साथियों समेत तमाम मेहमानों का पुरतवाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर ताजर हजरात ने निजाम टीवी से गुफ्तगू भी की, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। आज बिल्कुल वक्त में शालम मार्केट में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे उमर जावेद भट्ट सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंग महल की जानिब से आज यहाँ पर इफ्तार डिनर का तमाम किया गया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब मौजूद है। मीर साहब क्या कहेंगे आज इफ्तार डिनर का? बाजी अल्लाह ताला उमर भट्ट साहब जो हैं हमारे, अल्लाह ताला इशफाक भट्ट साहब और तमाम रेडीमेड गारमेंट्स की जो यूनियन है इनको अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले। चैम्बर की क्यादत भी मौजूद है, फाउंडर्स के पियाब के रहनुमा भी मौजूद हैं और अंजुमन ताजरान के कायदीन भी मौजूद हैं। तो हम सारे ताजर यहाँ इकट्ठा हुए थे, वैसे तो ये इफ्तारी थी लेकिन हम असल में जो दिल की बात है वो ये है कि सारे बड़े खुश हैं कि एक डाकू चोर नाअहल नकम्मी हुकूमत से जान छूट गई है और एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब जो हुकूमत आई है वो हमारी बात भी सुनेगी और किसी हद तक हमारे मसले को और हमारे जो ताजरों के जो टैक्सेशन के हवाले से ख़ास तौर पे मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेगी। यही कहेंगे कि ताजर दोस्त प्राइम मिनिस्टर आ चुका है, अब सारे अपनी अपनी कमर व्यवस्था कर लें अपने अपने को और तैयार करें, अब इंशाल्लाह ताला ताजरों के जो मसाइल हैं वो सब पूरे होंगे, चाहे लाहौर के हों चाहे शदरे के हों। ये शदरा हमारे करीब ही है तो बात यह है कि अब इंशाल्लाह ताला हम ताजर सेटिस्फाइड हैं क्योंकि एक ऐसी आमर हुकूमत से हमारी जान छुटी है। ताजर खुशहाल होंगे इंशाल्लाह और असल से बड़ी बात है कि वो सुकून में आया है, अब उसको एक उम्मीद पैदा हुई है कि इंशाल्लाह ताला हमारे मसाइल हल होंगे और शालमी के मसाइल भी हल होंगे और उमर भट्ट साहब के मसाइल भी हल होंगे। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर शाही नज़ीर साहब मौजूद है, शायद भी क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि हम सबको पता है कि ताजर बरादरी पहले भी नून लीग के साथ थी और इसलिए साथ थी कि नून लीग भी जो है वो ताजरों का ख़ास ख्याल रखती थी, उनके मसाइल हल करती थी और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा उम्मीद है कि वो ताजरों के जो मसाइल हैं उनको हल करेगी और इंशाल्लाह ताला अभी हम दिलो जान से नून लीग के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं उमर जावेद भट्ट साहब, नईम मीर साहब और तमाम भट्ट बरादरान जिन यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, अपने प्रेजिडेंट मिसबा तारिक मिसबा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मदु किया आप अफ्तारी पे। तब बात हो रही है कि बजट की आमद आमद है और जो पॉलिसीज़ हैं उसको करना है, मेनटेन करना है, तो हमारी तो यही दरख्वास्त होगी क्योंकि अब फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है, बिजनेस फ्रेंडली, और जिस तरह अभी प्रेजिडेंट साहब फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रेजिडेंट भी रहे हैं, हमदा साहब हमारे मेम्बर भी हैं, तो ये तो बेहतर जानते हैं कि लाहौर चैम्बर की और बाकी चैम्बर्स के जो मामला हैं वो कैसे हैं। मेरी इनसे यही दरख्वास्त होगी जब भी हम कोई चेयरमैन एफ बी आर या मिनिस्टर फाइनेंस से बात करते हैं वो कहते हैं जी वो पुरानी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब जिस तरह हम 172 मेंबर्स के साथ या 74 मेंबर्स के साथ उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, 20 मेंबर्स इनके पास और भी मौजूद हैं। अब ये जितने भी जो ताजरों के मुखालिफ जितने भी ऑर्डिनेंस में जो बिल्स हैं ना उसको ये उसके जो उसको ख़त्म करेंगे ताकि ये जो उनके पास जो जवाज़ है एफ बी आर के पास या मिनिस्ट्री के पास के ये जो है ना ये हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको एक्ट्स को और इलीगल एक्ट नहीं हम नहीं काम नहीं कर रहे, अब उसको लीगल करने के लिए सब को अब इनको चाहिए कि अपनी अपनी जो है ना ये इसके अपने इनपुट दें और जो तो ताजरों के मुहालफ जो एक्ट हैं उनको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले उमर जावेद भट्ट साहब और इशफाक भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस अफ्तारी का अहतमाम किया और उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये टाइम निकाला और जो है हमें भरपूर टाइम दिया। और मैं अपने भाई जवाद अहमद को मुबारक देता हूँ जो इसी मेंबर बने हैं और उनका भी अब शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो तारिक मिसबा साहब के अंडर, ताहिर मंजूर साहब के अंडर, मेरे भाई शेख सज्जाद साहब के अंडर ये अच्छी कारकर्दगी चैम्बर में दिखाएंगे और ताजर दोस्त
चैम्बर में जैसे पहले काम होते रहे इन लोगों के टेन्योर में इसी तरह जवाब जारी रखेंगे। नहीं मैं गुरु साहब के मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों को कोई शक व शुबा था ना वो दूर हो गया और बड़े लोग जो है ना अब आने की कोशिश करेंगे इस ग्रुप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने तमाम सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज यहां पर तशरीफ़ लाए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला इनके जान माल में इजाफा करे। मैं तारक मिसबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब भी ताजरों को इनकी ज़रूरत पड़ी है वो उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। नईम मीर साहब जो कि ढके छुपे हैं नहीं, जब भी प्रॉपर्टी टैक्स का मसला रहा है सबसे पहले आवाज तारक मिसबा साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ अंजुमन ताजना नावल पाकिस्तान, नईम मीर ग्रुप ने सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद की थी और प्रॉपर्टी टैक्स को ना सिर्फ कम किया बल्कि ताजरों के मफाद का दफा भी किया। और हम कई मरतबा इस्लामाबाद भी गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ताजर दुश्मन हुकूमत से हमारी जान छूट गई, अब ताजर दोस्त जो हुकूमत आई है हम इनके शाना बशाना चलेंगे। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पॉलिसी बनाने से पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लें। इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर चलेंगे क्योंकि ताजर मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। कैमरामैन समी के साथ मलिक अंसब, निज़ाम टीवी, लाहौर।